नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। यहां एक ओर सरकार पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य व उनकी देखभाल के लिए तमाम प्रयास कर रही है और इसके लिए बड़े ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सालयों की भी स्थापना की गई है और डॉक्टरों की भी, पशु चिकित्सकों की भी तैनाती की गई है ताकि जो ग्रामीण हैं उनके पशुधन स्वस्थ रहें। लेकिन सरकार की मंशा के विपरीत कई ऐसे पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की मनमानी जारी है। ऐसा ही एक मामला महरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम सिलावन स्थित पशु चिकित्सालय से आया है, जहां एक ग्रामीण जो कि सुकाड़ी निवासी हैं, बिहारी लाल गड़रिया, उनका ऐसा आरोप है कि उनकी गाय बीमार थी, उसके पेट से कुछ मांस के लौथड़े बाहर निकल रहे थे। उसको इलाज के लिए जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का ऐसा कहना है कि पहले कुछ धनराशि जमा कराओ, और जब वह धनराशि जमा कराने में सक्षम नहीं हो पाए तो डॉक्टर ने उनके पशु का इलाज करना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद पीड़ित ने SDM महरौनी को इस संबंध में शिकायती पत्र दिया है और SDM का ऐसा कहना है कि वो इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी शैलेंद्र नायक के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। पशु चिकित्सालय सिलावन के जो चिकित्सक हैं उन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए ग्रामीण ने SDM को जो ज्ञापन दिया है उस संबंध में क्या कार्रवाई हो रही है, जानने का प्रयास करते हैं SDM महोदय से। ये बिहारी लाल हैं, निवासी सुकाड़ी के। वो अभी जनता दर्शन में, जन सुनवाई में हमारे पास आए थे। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि सिलावन के पशु चिकित्सा अधिकारी उनकी गाय का इलाज नहीं कर रहे हैं। मैंने उसमें पशु चिकित्सा अधिकारी को इलाज के लिए निर्देशित कर दिया है और डिप्टी CBO का इलाज न करने के संबंध में उनका स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है।